समझ नहीं आ रहा है क्या करें। छत ढलाई किए, 21 दिन बाद सेंटरिंग को खोले, सेंटरिंग खोले तो भाई बीम का कॉर्नर जो है टूटने लगा, क्रैक होने लगा, तो हमें डॉट हुआ। तो फिर हम छत का सीलिंग को छुए, छत का सीलिंग छुए तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो भाई वो झरने लगा। अब ये समझ में नहीं रहा आ रहा है कि भाई कब करे तो करे क्या, कहां पे गलती हो गया हमसे जिससे क्या है कि भाई इतना लाखों रुपया कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि भाई इस तरह का मतलब छत ढलाई के बाद डिसटरिंग करेंगे, आपका छत जो है झरना शुरू ना कर दे बिना कोई रीजन के, आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो उसके पीछे क्या रीजन है इसके बारे में बात करेंगे, जिससे क्या है कि आप छत ढलाई से पहले पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी हम छत की बात करते हैं तो छत ढलाई का क्या है कि अगर छत कंक्रीटिंग जब सेट हो जाता है 21 डेज के बाद, तो वो जो है आपको जब कोई भी लोहा के सामान से अगर उसमें टकराएंगे तो वो जो है मेटलिक साउंड करेगा। यहां पे क्या हो रहा है कि भाई लोहा से कुछ भी ऐसे टकरा रहे तोड़ रहे तो भाई झरना शुरू हो गया। भाई ऐसे सिचुएशन में इस घर में रहना तो बहुत ही मुश्किल है, हम तो आपको बोलेंगे कि भाई इसको तोड़ करके फिर से नया तरीके से कीजिए, नहीं तो ये छत जो कभी भी गिर सकता है। अगर कोई गलती से जो है ना ऊपर एक बार ऐसे कूद जाए तो भाई वो कहीं नीचे ना आ जाए। तो खैर ये तो अलग बात है। तो हम यहां बात करते हैं, इसको बोलते हैं रीजन ऑफ कंक्रीट स्केलिंग। भाई कंक्रीट स्केलिंग का क्या रीजन है, कंक्रीट झरने का क्या रीजन है? तो पहला, अगर आप इस चीज को नजरअंदाज किए होंगे तब ठीक है, ज्यादा नहीं है। अब एक कंक्रीट मिक्स रेशियो, ज्यादातर जो है कंक्रीट मिक्स रेशियो, अगर आप कंक्रीट का मिक्स रेशियो प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, जिसमें इसका क्या रेशियो है, एक वन बैग सीमेंट में 4 गमला आपके सीमेंट है, ये सैंड है, और 6 गमला जिसको तगारी बोल सकते हैं, आपका एग्रीगेट है, गिट्टी है, तो इस प्रोसेस से चलना होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मिस्त्री लोग सीमेंट कम देगा, बालू और गिट्टी ज्यादा दे देगा, प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हुआ, सीमेंट का रेशियो कम हो गया, और उसके वजह से जो है आपका ये सिचुएशन आता है कि भाई जैसे डिसटरिंग करेंगे अब उसको जितना स्ट्रेंथ आना चाहिए M20 ग्रेड का, जिसका M20 अगर ग्रेड की बात करें तो आपका इसका रेशियो होता 1:1.5:3, मतलब एक पार्ट सीमेंट रहेगा तो 1 पार्ट सैंड रहेगा, 3 पार्ट आपका एग्रीगेट रहेगा। इसी को कैलकुलेशन करके जो इसको तगारी में जो है इसके साथ बनाया जाता है। तो कंक्रीट का मिक्स रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं है तो ऐसा होगा। अगर आप मैनुअल ढलाई करते हैं तब तो भाई नमस्ते है आप लोग को, मैनुअल मतलब कि भाई लेबर लोग ही उसको मिक्स करते हैं। अगर मिक्सर मशीन नहीं लाए हैं, लेबर लोग मिक्स करते हैं, तो लेबर लोग मिक्स के साथ आप छत ढलाई बिल्कुल मत कीजिएगा। अब एक दिक्कत हो गया। दूसरा जो सबसे बड़े रीजन है कि भाई कंक्रीट में एयर वॉइड बन जाता है। कंक्रीट डालेंगे ना, जैसे आप कंक्रीट डालेंगे, ये मेरा रेनफोर्समेंट है और ये मेरा सेंटरिंग है, कंक्रीट डालेंगे तो इसके बीच में रेनफोर्समेंट और सेंटरिंग में एयर वॉइड बन जाता है, एयर वॉइड गैप आ जाता है। अब इस गैप को करने के लिए जो है, अगर आप जो है अब इसमें जो रीजन मैं बता रहा हूं, नो प्रॉपर कंपैक्शन, कंपैक्शन के यूज के लिए आपको जो है कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कंक्रीट वाइब्रेटर इस्तेमाल नहीं किए हैं तब जाकर कैसा हो रहा है, मतलब कि जो कंक्रीट आया वो एक दूसरे से जुड़ ही नहीं पाया, कंपैक्शन ही नहीं हो पाया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई ऐसा सिचुएशन मतलब कि ये अब झरना शुरू हो जाएगा, अब उसमें एयर वॉइड रह गया और वो जो है पूरा तरीके से एक दूसरे ज्वाइंट नहीं हो पाया, मतलब सॉलिड पार्टिकल नहीं बन पाया, तब जाकर कैसा होगा। तीसरा है कि ओल्ड सीमेंट यूजेज, आप बोलेंगे सर इसमें भी कुछ होता है क्या, मैं तो नया सीमेंट लाया था डीलर से। देखिए कोई भी सीमेंट जब फैक्ट्री से निकलता है वो जो है 3 मंथ के लिए ही जो है वैलिड रहता है। अगर 3 महीना से पहले आपको जो है इसको इस्तेमाल कर लेना, मान लिया कि आपका डीलर लाया
आपको तो आपको लगा मैं तो डीलर से खरीद लिया, तो मैं भी कभी खरीदा, डीलर आपका 2 महीना पहले खरीदा, ठीक है, आप इसको यूज करते करते 1 महीना लगे, मैं तो 3 महीना पहले आपको वही जो पुराना सीमेंट चिपका दिया। अब उसमें जैसे उस सीमेंट खरीदने से पहले उसमें जो मैन्युफैक्चर डेट देख लीजिएगा, अब पुराना सीमेंट आप मान लीजिए 6 महीना पुराना सीमेंट इस्तेमाल कर लिए, वो तो आप जमेगा ही नहीं, और ना ही ऑल सीमेंट के साथ अगर कोई भी सीमेंट आप रखे रखे ढेला बन गया, मतलब जो है देखते होंगे मॉइस्चर कंटेंट माने के बाद जो है सीमेंट ढेला तरह के मतलब कि बन जाता है, अगर पाउडर नहीं है सीमेंट क्या होता है पाउडर जैसा होना चाहिए, अगर पाउडर नहीं है और ढेला जैसा है तो ये इसको जो है आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, पाउडर है तब इस्तेमाल कीजिए, ढेला है इस्तेमाल मत कीजिए, और 3 महीना के पहले जो है इस्तेमाल कर लेना, अगर नहीं किए हैं तब जा करके इस तरह का, अगर कंक्रीट सेट ही नहीं हुआ तो आपका वो गिरना शुरू हो जाएगा। चौथा पॉइंट है सेंटरिंग गैप को लेकर के, जब भी कभी हम लोग सेंटरिंग करते हैं उसके बीच में गैप हो जाता है, चाहे वो बीम का हो चाहे छत का हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है जैसे कंक्रीट डालेंगे ना तो उसका पानी जो सलड़ी होता है वो बहना शुरू कर देगा। अब उस चीज को बहने से बचने के लिए ठेकेदार लोग बोलेगा सर वाइब्रेटर मारेंगे तो सारा कंक्रीट जो है बह जाएगा, इसलिए नहीं मारते, तो अगर नहीं किए तो फिर वही वाला प्रॉब्लम आ गया यहाँ से ये वाला, तो प्रॉपर तरीके से सेंटरिंग करना है तब जाकर के आगे करना। तो हम 4 पॉइंट पर डिस्कशन कर लिए, 5वां पॉइंट है कि भाई इम्प्रॉपर क्यूरिंग, इम्प्रॉपर क्यूरिंग। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, छत ढलाई के 24 आवर्स के बाद ही आपको जो है ये पाउंडिंग करके मतलब क्यारी बना करके जो है आपको वाटर क्यूरिंग करना है। अब बोलेंगे ये वाटर क्यूरिंग क्यों जरूरत है, अब बोलेंगे वाटर क्यूरिंग से क्या मतलब नीचे का, देखिए ये छत हो गया आपका, ये आपका जो बीम हो गया, तो ये जो है आपका मॉइस्चर में पानी में डूबा रहना चाहिए, मॉइस्चर बना रहना चाहिए, अगर मॉइस्चर है तो ये आपका जो है इसका जो सीमेंट का जो हाइड्रेशन प्रोसेस जब होगा तो ये इसमें स्ट्रेंथ लाते रहेगा। वही अगर मैं एक वीडियो में बताया था, अगर छत ढलाई करके छोड़ दिए आप ना तो जो है क्यूरिंग नहीं कर रहे हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, जैसे प्लास्टर का एग्जांपल देते हैं, प्लास्टर को आप एक एग्जांपल लीजिए, मोटर बनाइए प्लास्टर कीजिए चाहे चिनाई कीजिए और उसमें बिल्कुल जो 24 घंटा बाद जो पानी ही मत दीजिए तो वो क्या होगा कि एक समय जो है वो हाइड्रेशन प्रोसेस उसका होगा नहीं, तो वो क्या कर होगा आपका जो है जैसे ऐसे दीवार में ऐसे करेंगे ना वो झरना शुरू हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि अगर आप जो कंक्रीट ढलाई किए हैं लेकिन उसमें पानी नहीं दे रहे हैं तो ये जो इसका स्ट्रेंथ कुछ नहीं, वो जो है मिट्टी की तरह हो जाता है, समझिए जरा सा, प्लास्टर भी मिट्टी की तरह हो जाता है झरने लगेगा और जो है कंक्रीट भी जो मिट्टी की तरह जैसे अभी दाखिल झरना झरना शुरू हो जाएगा, ये एक दिक्कत है। 6वां पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा कि भाई कंक्रीट सेट बिफोर पोरिंग। कभी कभी क्या होता है मिस्त्री चाहे ठेकेदार लोग कंक्रीट बना लेगा एक ही बार मिक्सर मशीन से चाहे मैनुअल बनाते जा रहा है लेकिन शिफ्टिंग में जो समय लग रहा है, तो कंक्रीट बना लिया और फिर जा करके जो है अब उसको शिफ्ट 2 घंटा 3 घंटा बाद उसको जो है साइट में डाल रहा है, तो इससे भी जो है आपका जो है क्योंकि वो आधा घंटा के अंदर जो आपका सेटिंग शुरू हो जाता है, 30 मिनट के बाद कंक्रीट सेटिंग शुरू हो जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम में, अगर 3 घंटा बाद अगर आप जो है कंक्रीट को पोरिंग करेंगे छत में चाहे बीम में वो तो सेट हो चुका है ऑलमोस्ट सेटिंग शुरू हो गया है, अब वो जो है सेट होगा नहीं और उसमें कितना पानी मिलाएगा वो खराब हो जाएगा। तो ये सारा जो 6 रीजन मैंने आपको बताया है इस 6 रीजन को आपको ध्यान में लेकर चलना है जिससे क्या है कि भाई आपका जो है छत से इस तरह का सिचुएशन ना आए ना ही जो है कंक्रीट झरे, जिसको हम लोग स्केलिंग भी बोलते हैं, और ये आपका टॉप में भी दिखेगा बॉटम में भी दिखेगा हर जगह सीलिंग में भी दिखेगा
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर देगा, उससे बेनिफिट बचा होता है। जब जब सिविल इंजीनियरिंग को नया वीडियो अपडेट लेके आएगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वीडियो बना देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।